महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के मकोड़िया आम इंदिरा नगर क्षेत्र में स्थित अनर्केश्वर महादेव 84 महादेवों में 27वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वाराह कल्प के कलयुग में जनता मर्यादा विहीन हो गई। नरक में जाने पर उन्हें यमराज के दूत अनेक प्रकार से यातनाएं देते थे। ऐसी स्थिति में विदेह जनक राजा के वंश में उत्पन्न निमि नामक राजा यमराज के एक सेवक के साथ यमलोक को जा रहे थे। उन्होंने पापियों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते देखा। उसने उस सेवक से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि यहाँ यमलोक में आना पड़ा। उस सेवक ने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, आपके श्राद्ध में जो दक्षिणा देने को कहा गया था वह नहीं दी। आप उसे प्रमाद से भूल गए, इसलिए यह फल आपको मिला है। आपने अन्य कोई पाप नहीं किया है। राजा ने पूछा, मुझे इस पाप का फल कब तक भोगना पड़ेगा? सेवक ने बतलाया, पाप और पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ता है। जब वे आगे बढ़े तो नरक में पाप का फल भोग रहे मनुष्य को राजा के दर्शन से बहुत सुख मिला। उन्होंने राजा से कहा कि आप कुछ देर यहीं रहें, हमें आपके दर्शन से सुख मिल रहा है। तब राजा ने उस सेवक से पूछा, इसका कारण क्या हो सकता है? सेवक ने कहा, राजन, आपने महाकाल वन में आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में अनर्केश्वर के दर्शन किए थे। उस पुण्य के प्रभाव से आपके शरीर को स्पर्श की गई पवन को पाकर इन्हें आनंद हो रहा है। तब राजा ने कहा कि मुझे यहीं रहने दो, यदि मेरी उपस्थिति से इन पापियों को सुख मिल रहा है। इसी समय धर्मराज और इंद्र राजा को लेने आ पहुँचे। तब इंद्र ने कहा, राजा, तुम्हें पुण्य के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त हुई है, आप मेरे साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चलो। निमि ने कहा, इन मनुष्यों को नरक में यातना भोगनी पड़ रही है, इन्हें देखकर मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तब धर्मराज ने कहा, इन लोगों ने पाप किया था इसलिए अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, आपने पुण्य किया है इसलिए आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। राजा के पूछने पर उन्होंने बतलाया कि आपने महाकाल वन में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अनर्केश्वर के दर्शन किए थे, इस पुण्य से आपको स्वर्ग मिला है। तब राजा ने अपने पुण्य का एक अंश दान में दिया, उसके प्रभाव से उन सभी पापियों को नरक से मुक्ति मिल गई। जो मनुष्य अनर्केश्वर का दर्शन करता है उसके पूर्व के 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो लोग आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को अनर्केश्वर के दर्शन करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।